स्टूडेंट जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के डिजाइन टाइप के पेज बैकग्राउंड के बारे में। इसके बारे में जानने वाले हैं पेज बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये नाम ही कह रहा है पेज बैकग्राउंड, यानी कि हमको करना क्या है कि जो हमारा पेज है इस पेज के बारे पेज पे हमको क्या करना हो, कोई भी डिजाइन नहीं करना। जैसे देखिए, सबसे पहले दिया वाटर मार्क। क्या दिया पहले? वाटर मार्क। तो वाटर मार्क आप लोगों को पता होगा क्या कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कई आप लोग ऐसे नोट से देखे होंगे जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ नीचे कुछ बैकग्राउंड के रूप में लिखा गया होता है, चाहे नाम लिखा गया हो, चाहे कोई पिक्चर हो, चाहे जो भी हमको देना हो क्या कर सकते हैं, जो भी सिंबल देना हो वह यहाँ आसानी से हम दे सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि नहीं, आप लोग हाई स्कूल का मार्कशीट देखे होंगे तो मार्कशीट में क्या दिखाई देता है, एक जो लोगो होता है वो दिखाई देता है आप लोगों ने, वैसे वो आपको बैकग्राउंड में लोगो लगाना हो तो भी आप किसका प्रयोग करेंगे? वाटर मार्क। इसका अब इसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले जाना है वाटर मार्क पे। जब आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे कई सारा फॉर्मेटिंग दिखाई देगा, दिख रहा सबको? लेकिन आप चाहते ना इसमें से हमको कोई फॉर्मेटिंग नहीं लेना है, क्लिक कर दिए आ जाइए अपने पेज पे, बिल्कुल हल्का सा दिखाई दे रहा हो यहाँ पे, दिख रहा सबको ना? लेकिन हम चाहते नहीं हम अपना नाम इस पे लिख सके या हमको जो लिखना वो टाइप कर सके, उसके लिए कहाँ जाना होगा? वाटर मार्क। फिर चले जाएंगे कहाँ पे? कस्टम वाटर मार्क। कहाँ जाना है? कस्टम वाटर मार्क। और जैसे हम कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे फिर कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। अब देखिए, आ जाओ, इसमें तीन ऑप्शन दे रहा है। तीन ऑप्शन क्या है? इसमें सबसे पहले कह रहा है नो वाटर मार्क। क्या कह रहा है? नो वाटर मार्क, यानी कि हमको कोई वाटर मार्क नहीं रखना। अगला कह रहा है पिक्चर वाटर मार्क, कि अगर जो वाटर मार्क के रूप में आप क्या करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर को सेलेक्ट करिए, या आप टेक्स्ट वाटर मार्क रखना चाहते हैं तो क्या सेलेक्ट करिए यहाँ से? टेक्स्ट वाटर मार्क। आएंगे आगे तो ये लैंग्वेज कह रहा आपको किस लैंग्वेज में चाहिए? इंग्लिश में। कह रहा है टेक्स्ट आपका क्या चाहिए, वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करिए, दिख रहा सबको ना? चलिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए, गायत्री इंस्टीट्यूट। अब उसके नीचे कह रहा है कैलिब्री, यानी कि आप चाहते हैं अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और आगे दिया है साइज, साइज आपको कितना पे रखना है, 36, 40, 44, 48 जितना रखना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइज ले सकते हैं। और उसके नीचे दिया है कलर। अभी जैसे हम लिए थे डू नॉट कॉपी वाला तो किस कलर का दिखा रहा था, हल्का सा यही कलर दिखा रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं ये कलर नहीं दिखाई दे, बल्कि रेड कलर या येलो कलर या जो भी हम हमारा पसंदीदा कलर वो लेना चाहते हैं, उसके लिए कहाँ क्लिक करेंगे? कलर पे। अब जो कलर आपको लेना है उस कलर पे क्लिक करिए और फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, ओके। अब जैसा मुख्य करेंगे, देखिए क्या हम यही साइज लिए हैं, यही कलर लिए हैं, दिख रहा सबको ना? चलिए अब आपको साइज बढ़ाना है, फिर कहाँ चले जाइए, वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क। और यहाँ आने के बाद से आप इसके साइज को क्या कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, ओके, बड़ा हुआ इसका साइज हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया कि हमको अपने नाम से लगाना है, लेकिन हम चाहते नहीं अब कोई इमेज लगा सके, क्या कर सके, कोई इमेज लगा सके, उसके लिए हम फिर कहाँ जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क। और कस्टम वाटर मार्क में आने के बाद यहाँ से क्या ले लेंगे, पिक्चर वाटर मार्क। क्लिक करेंगे पिक्चर वाटर मार्क पे, यहाँ कहेगा सेलेक्ट पिक्चर, वो पिक्चर कौन सा है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑफलाइन ही ले लेंगे हम अपना इमेज, कोई इमेज से तो किया ही गया होगा, ये ले लेना, ये पेंसिल ले लें, चलिए पेंसिल ले लेते हैं, क्लिक किए और यहाँ से क्या कर लेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब जैसा मुख्य किए देखिए पीछे हल्का फुल्का दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको, हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे पेंसिल ना, हम चाहते नहीं ये बिल्कुल क्लियर ही रूप से, क्लियर रूप से देखिए हमने क्या बैकग्राउंड में लगाया है, उसके लिए कहाँ चले जाएंगे, फिर से वाटर मार्क, फिर आ जाएंगे कस्टम वाटर मार्क। और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा वॉश आउट, क्या दिखेगा, वॉश आउट। वॉश आउट के यहाँ से क्या करेंगे, ऑफ, फिर यहाँ से कर देंगे ओके। क्या अब और डार्क होगा, दिख रहा सबको ना, यानी कि और आप चाहते नहीं इसके कलर को आप कम कर सके तो यहाँ से आप वॉस आउट ऑन कर दीजिए, और चाहते नहीं इसके कलर को आप क्या कर सके, ज्यादा रख सके तो वॉस आउट को क्या कर दीजिए। चलिए ये तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं इसका साइज छोटा या बड़ा करना, क्या करना चाहते हैं, इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा स्केल का, दिख रहा सबको ना, स्केल अभी कितना पे है, 8, तो 8 घटा कम कर दिए यहाँ से 200 और यहाँ से कर दिए ओके।
क्या आप छोटा दिख रहा है? पहले बड़ा दिख रहा था ना। चलिए हम फिर गए वाटर वाटर मार्क पे, कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ से हम 200 फटा कर दिए 100। कितना कर दिए? 100। और यहाँ से क्या कर दिए? ओके। और छोटा हुआ, अब बड़ा करना चाहते फिर जाएंगे वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, और स्केल में साइज को क्या कर लेंगे? यहाँ से बढ़ा देंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके। अब बड़ा हुआ, हो जाएगा। यानी कि जैसे आप क्या करना चाहते हैं, अगर जो बैकग्राउंड के रूप में कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से उस इमेज को यहाँ पे लगा सकते, हो जाएगा। वाटरमार्क हमने दोनों बता दिया कि अगर जो आपको टेक्स्ट लगाना हो तो, और अगर जो आपको क्या करना हो, कोई इमेज लगाना हो जाएगा। और आगे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज कलर का, किसका मिलेगा? पेज कलर। चलिए फिलहाल हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से, और आगे देना यहाँ पे पेज कलर। पेज कलर का मतलब क्या है कि जो भी आपका ये पेज दिख रहा है ना, इस पेज को आपको कलर करना है। चलिए यहाँ से जूमिंग को हम कम किए, अब ये पेज दिख रहा है सबको, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। आप चाहते नहीं ये पेज हमको किसी दूसरे कलर में करना है, तो फिर उसके लिए आप कहाँ से ले जाइए? पेज कलर, जो भी कलर लेना आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। दिख रहा है कलर ना? जो भी कलर लेना है से कलर ले सकते हैं। और यदि आपको इसमें कलर नहीं आ रहा है, फिर आप कहाँ चले जाइए? मोर कलर पे, और जो भी कलर आपको कस्टम करके बनाना, वो कस्टम करके यहाँ से कलर बना सकते, हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम ये पेज कलर को यहाँ से कर दिए नो कलर। क्या कर दिए? नो कलर। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया है फिल इफेक्ट का, इसका दिया है फिल इफेक्ट। अब ये फिल इफेक्ट क्या है कि जैसा हम चाहते हैं कि अपने पेज को क्या कर सकें, कोई टेक्सचर लगा सके। टेक्सचर समझ रहे हैं ना? जब आपको शेप लिए थे, शेप में हम आपको बताए थे टेक्सचर लगाए थे सब लोग ना, टेक्सचर लगाए थे पिक्चर। चलिए हम बता दे रहे हैं एक बार, इंसर्ट में गए आप लोग, शेप में, शेप में आने वाले क्या ले लिए? कोई एक शेप ले लिए, शेप फिल में गए, और नीचे आपको बताया था टेक्सचर, दिख रहा है ना? ऐसे और हमको टेक्सचर अपने पेज पे कवर करना हो, उसके लिए कहाँ जाएंगे? डिजाइन टैब, पेज कलर, और फिर आ जाएंगे फिल इफेक्ट। आपको यही दिखेगा ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, और यहाँ पे दिखेगा पिक्चर। चलिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट समझते हैं। तो ग्रेडियंट में यहाँ पे दिया है वन कलर और टू कलर, और उसके नीचे दिया है प्रीसेट। जब प्रीसेट रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये अपने हिसाब से ही कलर बना के देगा, जो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है ना? यहाँ नीचे आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, लेकिन हम चाहते नहीं दो कलर मिक्सअप कर सके, तो आपको यहाँ से क्या लेना है? टू कलर। कलर वन सेलेक्ट करिए आप यहाँ से, और फिर यहाँ से आप कलर टू सेलेक्ट करिए। दिख रहा है सबको? और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए? ओके, आ गया दो कलर में, दिख रहा है। चलिए फिर हम गए पेज कलर पे, और पेज आ गए फिल इफेक्ट, और फिल इफेक्ट में आने वाला आ गया टेक्सचर। आपको कोई कलर नहीं बल्कि टेक्सचर लगाना, दिख रहा है सबको ना? और यहाँ से क्या कर दिए? ओके। तो अब क्या लगा इस बैकग्राउंड में? टेक्सचर। जो भी टेक्सचर लगाना हो फिल इफेक्ट पे आएंगे, और हमको जो भी टेक्सचर लग रहा है वो उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे? हो जाएगा। और इसके आगे एक आपको ऑप्शन दे रहा होगा पैटर्न का, किसका? पैटर्न। तो जिस हिसाब से हम पैटर्न बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम ये पैटर्न ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दिखेगा यहाँ पे दो कलर, पहला फोरग्राउंड कलर और दूसरा बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब क्या है कि जब आप ये बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, दिख रहा है आपको ना, इसमें दो कलर आपको दिखाई दे रहा है, एक आपका ऐसे खंड जैसा बना हुआ है, आ रहा है समझ में ना? जो लकीर होगा वो आपका होगा फोरग्राउंड कलर, और जो पीछे का कलर दिखाई देगा वो आपका क्या होगा? बैकग्राउंड कलर। तो चलिए हमको लेना है यहाँ से कोई भी पैटर्न, एक कोई पैटर्न ले लिए, यही सही है ना? फोरग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं येलो कलर का, और बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं आप रेड कलर का। आप यहाँ से क्या कर दीजिए? ओके, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ से जूम कर रहे हैं, देखिए देखिए कैसे दिखाई देगा। अब दिख रहा है सबको पेज, अब हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आ रहा है समझ में ना? यानी कि फोरग्राउंड कलर में कौन सा कलर लिए थे? येलो, और बैकग्राउंड कलर में रेड। यानी कि जो कलर आप यहाँ से लेंगे पेज कलर, फिल इफेक्ट, और यहाँ से पैटर्न। अब बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर इस बार हम ले लिए कौन सा? ग्रीन, और यहाँ से कर दी ओके। तो जो लाइनिंग है वो किस कलर का दिखाई देगा? ग्रीन कलर। अब उसके आगे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा फिल इफेक्ट,
और यहाँ पे दिखाई देगा पिक्चर। अगर जो आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं फिर कहाँ चले जाइए, पिक्चर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट पिक्चर और एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये ले लें, क्लिक कर दिए और क्लिक करने से यहाँ से क्या कर दिए इंसर्ट। अब यहाँ से फिर क्या करना हो हमको, ओके। अब जैसे ओके करेंगे हमारा ऐसे बैकग्राउंड के रूप में लगा हुआ दिखाई देगा। क्या ये हमारा क्या है, अलग से इमेज लगा है, वाटरमार्क लगा है, नहीं बल्कि हमारा क्या हुआ, पेज कलर हुआ है, क्या हुआ है, पेज कलर हुआ है। और उसके बाद एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा बॉर्डर का, क्या दिखाई देगा, बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या है कि जब भी आप लोग कुछ ऐसे नोट से देखते हैं कि जिसके चारों तरफ क्या हुआ होता है, ऐसे बॉर्डर होता है, देखिए है सभी लोग ना। अब वैसे हो जब आपको बॉर्डर लगाना है तो फिर आपको कहाँ जाना होगा, पेज बॉर्डर कहाँ आना है, पेज बॉर्डर। जैसे आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। अब ये किस पे है, नन। आप कर दिए, आप यहाँ से क्या कर दीजिए बॉक्स, क्या कर दिया यहाँ से बॉक्स, और सिंपल हम यहाँ से ओके कर दिए, सिर्फ बॉक्स करके ओके किए हैं। चारों तरफ क्या दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं ये बॉर्डर के साथ साथ इसमें कुछ स्टाइल कर सके, फिर आप आ जाइए पेज बॉर्डर पे और यहाँ पे देखिए आपका स्टाइल देगा, दिख रहा सबको ना कि आपके पेज बॉर्डर का स्टाइल कैसे चाहिए। तो जैसे स्टाइल चाहिए आप स्टाइल को सेलेक्ट करिए, नीचे आपको दिखाई देगा कलर, क्या दिखाई देगा कलर। आप चाहते हैं नहीं आपका बॉर्डर रेड कलर का आ जाए तो रेड कलर ले लीजिए, चाहते हैं आप इसके साइज को छोट क्या कर सकें, थोड़ा तो सा मोटा या पतला कर सके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मोटा या पतला यहाँ से कर सकते हैं, फिर यहाँ से क्या कर लीजिए ओके। अब जैसे ओके करें तो जितना हम फॉर्मेटिंग ले रहे हैं वो सारे इसमें दिखाई दिख रहा है सबको ना। लेकिन आप चाहते हैं ना इसमें कुछ आर्ट लगा सके तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आर्ट का, दिख रहा है ना। तो अब ये किस पे है, नॉन पे, नॉन को हटाइए और यहाँ से आप रख लीजिए एप्पल, फिर यहाँ से क्या कर दीजिए ओके। तो आपके पेज के चारों तरफ क्या दिखाई देगा, एप्पल। खाने के लिए तैयार मत होइएगा, आपको ये खाने वाला नहीं है ना, आ रहा है समझो ना। सिर्फ हम क्या किए हैं, पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर के पास यहाँ से आर्ट में जो भी लेना, देखिए आप कई सारे इसमें आर्ट देखिएगा, जो भी आर्ट आपको लेना है उस आर्ट को आप क्या करिए सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट कर फिर क्या कर दीजिए यहाँ से ओके। तो जो आर्ट वहां से आप लेंगे वही आर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हो जाएगा, दिख रहा है सबको। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा कुछ और ऑप्शन बता दें इसमें। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बॉक्स लिए थे, क्या लिए थे बॉक्स, तो बॉक्स को हटा के पहले हम आर्ट को कर दिए ना। अब हम यहाँ से ले लिए शैडो, क्या ले लिए शैडो। तो जब शैडो लेंगे तब क्या होगा, ओके कर दिए। अब ध्यान दें यहाँ यहाँ की लाइनें क्या है पतली, लेकिन यहाँ की लाइन क्या थोड़ा सा मोटा, आएंगे तो क्या होगा नीचे भी इधर की लाइन थोड़ा सा पतली और ये लाइन थोड़ा सा मोटी, इसलिए क्योंकि ये क्या हुआ है कि जो हमारा पेज बॉर्डर लगा हुआ है उस बॉर्डर का शेडो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा सा इस साइड, दिख रहा है सबको। अब चलिए इसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा 3D का, किसका 3D। अगर जब चाहते हैं कि 3D में रख सके तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई स्टाइल लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए ओके, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, दिख रहा है सबको। एक चीज और साथ साथ में एक चीज और बता दें आप लोगों को कि ये तो आप लोग यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, बॉर्डर लगा ले, आ रहा है समझे ना। बॉर्डर लगाने के बाद से चलिए एक और नया पेज हम यहाँ से ले लें, कितना पेज आ गया आपके पास, दो। लेकिन हम चाहते नहीं आप इस पेज पे रख सकें सिर्फ, और इस पेज पे आप कोई भी बॉर्डर नहीं रख सकते, लेकिन हम लगा रहे क्या हो रहा है, दोनों पे जा रहा है ना, उसके लिए क्या करना होगा। चलिए पहले हम यहाँ कुछ टैक्सी ले लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ ले लिया यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज और कर दिए इंटर। अभी कितना पेज दिखाई दे रहा है, पांच पेज, कितना पेज दिखाई दे रहा है, पांच। अब पांचों पेज भी आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको ना। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ पहले पेज पे और दूसरे पेज पे रहे, तीसरे पेज पे कोई बॉर्डर ना रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आ जाएंगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे। ये पहला पेज है, ये कौन सा पेज है, दूसरा। तो दूसरे पेज तक रखना है ना, तीसरे पेज से नहीं रखना है, तो तीसरे पेज के लास्ट में कर्सर रखेंगे, कहाँ रखना है, लास्ट में। यानी कि जब हमसे ये कहा जाए कि आपको ये करना है कि आपको पहले पे और दूसरे पे रखना है, तीसरे से आगे नहीं रखना है, आ रहा समझे ना। तो आप दूसरे पेज के क्या करिए, लास्ट में कर्सर रखिए और चले जाइए कहाँ पर,
पेज लेआउट में, कहाँ जाना है? पेज लेआउट में, और यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ब्रेक का, किसका ऑप्शन दिखेगा? ब्रेक। तो ब्रेक पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए नेक्स्ट पेज। क्या करना है? नेक्स्ट पेज। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है? तोड़ना, यानी कि जो हमारा ये पेज है इस पेज से लेकर के और ये जो तीसरा पेज से जो भी हमारा संबंध होगा उसको क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, यानी कि जो हम इस पे काम करेंगे इस पे अप्लाई होने वाला नहीं है। फिर इसलिए हम क्या किए, लास्ट में कर्सर रख के कहाँ चले गए? ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने के बाद क्या कर दिया यहाँ से? नेक्स्ट पेज। जैसे नेक्स्ट पेज किए कर्सर कहाँ आ गया है? अगले पेज दिखाई दे रहा सबको। अब इसके हम कहाँ चले जाएंगे? डिजाइन, पेज बॉर्डर, इसके आगे नहीं रखना है ना, यहाँ से क्या कर देंगे? नॉन। क्या कर देंगे? नॉन। और नॉन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट रखेंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन आप आएंगे नीचे तो आपको रखना है दिस सेक्शन। क्या रखना है? दिस सेक्शन, और यहाँ से क्या कर लेना है? ओके। जैसा मुके किए देखिए, ऊपर बॉर्डर दिखाई दे रहा है, अब नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा सा हम अंडू कर लिए, कंट्रोल जेड, एक बार और कंट्रोल जेड। अब अगर हम क्या करें, इस पेज पे नहीं रखना है तो कर्सर रखे, पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ से कर दिए नॉन। नॉन करने के बाद होल डॉक्यूमेंट फटा क्या कर दिए? दिस सेक्शन। अब पेज को ब्रेक नहीं किया क्योंकि जो पेज ब्रेक किए तो उसको हम क्या कर दिए? अंडू कर लिए, और यहाँ से क्या कर दिए? ओके। क्या ये सिर्फ उसी पे हटा है? क्या हुआ है? सब पे, लेकिन चाहते हैं नहीं सिर्फ उसी पे हटे, उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होगा? पेज ब्रेक का। किसका? पेज ब्रेक का। अब जैसे हम पेज ब्रेक का प्रयोग करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, जिस पे रखेंगे उसी पे जाएगा, उसके अलावा दूसरे किसी पेज पे नहीं। समझ में हो जाएगा ना? एक बार और ध्यान दीजिए, हम कैसे किए हैं, हम ये बोले आपको पहले पेज पे रखना है, प्लस आपको कहाँ रखना है? दूसरे पेज पे, तीसरे पेज से नहीं रखना। आप दूसरे पेज के लास्ट में क्या करेंगे? कर्सर रखेंगे और कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट। फिर कहाँ जाना है? ब्रेक। उसके बाद से नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में आने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है? डिजाइन टैग, पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर में जाने के बाद क्या कर लेना आपको यहाँ से? दिस सेक्शन, यहाँ से कर देना है नॉन, फिर यहाँ से क्या कर देना है? ओके। देखिए आपका पहले पेज काटा, पहले और दूसरे पेज काटा, यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हमने आपको पेज बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपको वाटर मार्क लगाना है, इस वाटर मार्क हमने बताया, आप अपने नाम का वाटर मार्क लगा सकते हैं, आप अपनी पिक्चर का वाटर मार्क लगा सकते हैं, हो जाएगा। फिर आगे हमने बताया आपको पेज कलर, और पेज कलर हमने ये बताया कि आप क्या कर सकते हैं, कोई कलर लगाना तो कलर लगा सकते हैं, पैटर्न लगाना तो पैटर्न लगा सकते हैं, और अपना इमेज लगाना हो तो इमेज लगा सकते हैं। आ रहा समझे ना? चलिए फिर आपको हम आगे बताए बॉर्डर, तो अगर जो आप अपने पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं जैसे स्टाइल में, वैसे स्टाइल में क्या कर सकते हैं? आपसे बॉर्डर लगा सकते हैं। क्लियर है सबको? और आगे आपको एक टैब दिखाई देगा पेज लेआउट। क्या दिखाई देगा? पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पेज लेआउट का मतलब यह है कि जो भी आप क्या करना चाहते हैं, अपने पेज में जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे पेज का साइज हुआ, पेज का ओरिएंटेशन हुआ, पेज का मार्जिन हुआ, ये सारा आप कहाँ से करेंगे? पेज लेआउट। कहाँ से करेंगे? पेज लेआउट। चलिए ये पेज लेआउट में सबसे पहले हमारा दिया है पेज सेटअप का ग्रुप। किसका ग्रुप दिया है? पेज सेटअप का। तो अगर जो आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पेज को सेटअप करना होगा। आ रहा समझे ना? अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपको ये क्या करना है, सर्टिफिकेट बनाना है, आ रहा समझे ना? तो सर्टिफिकेट आप किसी पेज से बना लेंगे, किस पेज बनाएंगे? जो पेज आपके पास होगा उसी पेज से बनाएंगे ना। अब हम कहें कि नहीं आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट बनाना है, और आप क्या करिए कि आपका A4 साइज पे बनाना है, और आपका साइज है A5, आप उसी पे बना लीजिए, क्या वो सही बैठेगा? उसके लिए पहले आपको पेज को क्या करना होगा? सेटअप करना होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कभी भी हमारा किस में आता है? लैंडस्केप में आता है। किस में आता है? लैंडस्केप में आता है। और जो ये हमारा पेज है ये किस में है? पोर्ट्रेट में। आ रहा समझे ना? या हम आप लोग को बताए थे पेज बनाने के लिए, कॉपी का बनाने के लिए बताए थे ना, तो उसमें आप लोग जो भी टाइपिंग कर रहे थे बिल्कुल यहाँ से टाइपिंग हो रहा था। आ रहा समझे ना?
अभी देखिए हम जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं यहाँ से टाइपिंग हो रहा है, दिख रहा सबको ना? हम चाहते ना यहाँ ऊपर से टाइपिंग कर सके, तो जब भी हम ऊपर क्लिक करें तो क्या ओपन हो जाएगा? हेडर। क्या ओपन होगा? हेडर। लिखना चाहते नहीं हम वहां टाइपिंग करें, उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा पेज लेआउट का। इसका पेज लेआउट। अब चलिए इस पेज लेआउट में हम बताएं, सबसे पहले दिया है मार्जिन। क्या दिया है? मार्जिन। यानी कि आप लोग सिंपल हम ये कहें कि आप लोग एक नोट्स लिए हैं और नोट्स में जब आप देखेंगे तो ऐसे आपको रेड कलर की लाइनिंग इधर से भी दिखेगी और ऊपर से भी दिखेगी, ऐसे दिखेगा सभी लोगों को ना? तो आप लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ही टाइपिंग करते हैं ना, इसके बाहर तो टाइपिंग करते नहीं है। आ रहा समझे ना? तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये एरिया मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन। अब आपको इस मार्जिन को कितना रखना है वो आप कहां से सेट करेंगे? मार्जिन से। कहां से करेंगे? मार्जिन। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, कहां से टाइपिंग हो रहा है? यहां से। सब लोग को दिख रहा है ना? या चलिए सबसे बेटर हम पैराग्राफ ही ला दिए, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। यहाँ से टाइपिंग हो रहा है ना? हम चाहते हैं ये बिल्कुल इधर लेफ्ट साइड में आ जाए और ऊपर, और फिर कहाँ चला जाए? टॉप पे। अब कहाँ जाइए? मार्जिन। आपको कई सारा मार्जिन यहाँ पे दिखिएगा, दिख रहा सबको ना? अब ये नॉर्मल पे है, हम यहाँ से क्या कर दिए, दूसरा नैरो कर दिए। देखिए मार्जिन क्या हुआ यार, इसका कम हुआ, पहले कहाँ पे था। चलिए बराबर कर देते हैं यहाँ से नॉर्मल, नॉर्मल की यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, समझाने के लिए मार्क लगा देते हैं, यानी कि यहाँ है फिर यहाँ पे, दिख रहा है सबको ना? अब इसका से हम कर दिए मार्जिन घटा करके, यानी कि नॉर्मल घटा, क्या कर दिए? नैरो। ये कहाँ चला गया है? यहाँ मार्जिन कम हुआ है ना? आपका कई सारे यहाँ पे मार्जिन दिया, जो मार्जिन आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से कोई मार्जिन बनाना चाहते हैं, आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? नीचे ऑप्शन देखिए कस्टम मार्जिन। क्या दिखेगा? कस्टम मार्जिन। क्लिक करिए। अब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा टॉप से कितना है, वन, लेफ्ट से कितना है, वन, बॉटम से कितना है, वन, और राइट से कितना है, वन। आप चाहते नहीं हम सबको जीरो जीरो कर दें, करिए जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, लेफ्ट वाले को भी जीरो और राइट वाले को भी जीरो, और यहां से क्या कर दिए, ओके। तो देखिए सारा टेक्स्ट कहां चला गया, बिल्कुल टॉप। मार्जिन समझ में आ रहा है, हो जाएगा मार्जिन। कि जैसे आपको रखा बोला जाए कि नहीं आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ दो पॉइंट मार्जिन रखना है, 0.2, कितना रखना है, 0.2, फिर आप कहाँ जाएंगे, कस्टम मार्जिन, और जो टॉप दिया आप करिए 0.2, फिर आ जाइए यहाँ पे करिए 0.2, लेफ्ट में 0.2, राइट में 0.2, फिर यहां से क्या कर लीजिए, ओके। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन हुआ, दिख रहा है ना? आप चाहते नहीं पहले जैसा हो जाए फिर मार्जिन में जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, नार्म आ गया यहाँ पे, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिएंटेशन। क्या दिखाई दे रहा होगा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो ओरिएंटेशन आता है, यानी कि एक आता है पोर्ट्रेट और दूसरा आता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डिफरेंस क्या है आप लोग पहले जान लीजिए, कि हम क्या कर रहे हैं, कितने ओरिएंटेशन होते हैं, दो, पहले हमने बताया लैंडस्केप और दूसरा हमने बताया पोर्ट्रेट। अब इन दोनों का काम क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक आपका पेज है, आ रहा है समझ में ना? तो ये आपका किस फॉर्मेट में है, पोर्ट्रेट में, इसमें है पोर्ट्रेट में, और इसी को हम क्या कर दिए, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दिए, यानी कि जो हमारा लंबाई था उसी को हमने चौड़ाई कर दिया, आ रहा है समझ में ना? तो अभी हमारा किस में हो जाएगा, लैंडस्केप में, इसमें हो जाएगा लैंडस्केप। अब चलिए इसको हम करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए अपने ओरिएंटेशन से, कहाँ गए, ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट खटा हम क्या करते हैं यहाँ से, लैंडस्केप। तो अब हमारा पेज देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा, दिख रहा है सबको, या अगर जो आप ऐसे नहीं पहचान कर पाएंगे तो हम डिजाइन में गए, पेज बॉर्डर पे गए और यहाँ आने के बाद एक बॉक्स किए, फिर यहाँ से क्या कर दिए, ओके, और पेज की जूमिंग को थोड़ा सा कम कर लिया, दिख रहा है सबको ना? अब चलिए हम फिर कहाँ चले गए, पेज ले आओ, ओरिएंटेशन, और यहाँ से कर दिए पोर्ट्रेट, दिखाई दिया, फिर पोर्ट्रेट फटा क्या कर दिया यहाँ से, लैंडस्केप, डिफरेंस दिखाई दिया, अरे समझे? यानी कि सपोज करके आपका ये कॉपी है, अब जो आप ऐसे लिख रहे थे किसमें,
पोर्ट्रेट में, और इसी कॉपी को आप ऐसे करके लिखेंगे थी आपका किसमें, लैंडस्केप में। क्लियर है सबको? अब उसके बाद से आपको आगे ऑप्शन दिखाई देगा साइज, क्या दिखाई देगा साइज। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सुने होंगे ए फोर का साइज, चलो सुने है ना, या फोटो कॉपी कराते तो आप लोग सभी लोग देखे होंगे किसका कौन सा साइज होता है, ए फोर होता है। तो क्या जो छोटा छोटा बैनर बनाया जाता है, जो क्या होता है हैंडबिल जिसको बोला जाता है, क्या उसका साइज वही रहता है, ए फोर ही रहता है, छोटा रहता है। तो जब आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक काम करना है कि जब आप क्या कर रहे हैं ए फोर का साइज ले रहे हैं, लेकिन आपको ए फोर पे कोई काम नहीं करना है, आपको किस पे करना है, लैंडस्केप नहीं, आपको करना है कि आपका हाइट होना चाहिए कितना 7 और विथ होना चाहिए आपका 10। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने पेज को कस्टम करके बनाना होगा। तो जैसे हम साइज पे जा रहे हैं, आपको बाय डिफॉल्ट इसमें कई सारा साइज दिख जाएगा, दिख रहा सबको ना? और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका ए फोर होता है, क्या होता है ए फोर, लेकिन जब आप ए फाइव का साइज लेंगे तो आपके पेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ए फाइव लेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा, और ए थ्री लेंगे तो आपके पेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। आ रहा समझ में? तो चलिए हमको करना क्या है, इसमें कोई साइज नहीं लेना बल्कि अपने हिसाब से खुद से बनाना है। तो आप कहाँ चले जाएंगे, मोर पेपर साइज, कहाँ जाना है, मोर पेपर साइज। और मोर पेपर साइज में जाने के बाद से आपको यहाँ से ले लेना है क्या विड्थ, और यहाँ से ले लेना है हाइट। विड्थ का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पेज का ये वाला एरिया, और हाइट का मतलब आपके पेज का ये वाला एरिया। आ रहा है समझ में ना? तो आपको विड्थ कितना रखना है, 7। विड्थ कितना रखना है, 7। तो आप इसको हटाइए और हटा करके टाइप कर दीजिए 7। आ जाइए किसमें, हाइट में। तो हाइट में आप यहां से क्या करिए 10 है ना, 10। और फिर यहां से क्या कर लीजिए ओके। देखिए जैसा हम ओके करेंगे आपके पेज का साइज में चेंजिंग हुआ, दिख रहा सबको ना? चलिए हम बात करें किसका, हम बनाना चाहते हैं साइज में गए और मोर पेपर साइज में हम ये करना चाहते हैं नहीं 10 हमारा क्या हो, विथ हो, और हाइट हमारा कितना हो, 5 हो। एक हमको सर्टिफिकेट बनाना है, हम यहाँ से विथ को कितना कर दिए 10 और हाइट को कितना कर दिए 5। फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे ओके। अब जैसा हम ओके करेंगे देखिए एक सर्टिफिकेट के साइज का हमारा पेपर बन के आ जाए। अब जो भी हमको सर्टिफिकेट बनाना है आप सर्टिफिकेट बना सकते, हो जाएगा। ये निर्भर करता है कब, कि जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो आपको जो प्रिंट करना वो कितने साइज पे प्रिंट करना है, उसके हिसाब से आप क्या करिए अपने पेज के साइज को लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। क्लियर है सबको? और उसके आगे आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पे कॉलम का, किसका कॉलम। तो कॉलम के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग हाई स्कूल में विद्या क्वेश्चन पढ़े होंगे, पढ़े हैं सभी लोग ना? तो उस विद्या क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो साइड दिया होता है, कि एक पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से इधर दिया होता है तो दूसरा पैराग्राफ हमारा इधर कुछ ऐसे दिया होता है। देखे सभी लोग ना, दो पार्ट में दिया होता है। तो अगर जो उसके जैसा हमको करना है तो हमको क्या लेना होगा यहाँ से कॉलम। अभी जैसे कॉलम पे क्लिक करके दिखाई दे रहा है 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट और राइट। तो अभी हम 2 कॉलम कर रहे हैं, देखिए सिर्फ एक ही कॉलम में दिखाई दे रहा है, दूसरे कॉलम में दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा क्यों? चलिए पहले हम कॉलम की 1 कॉलम, क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ क्या है कम, दिख रहा सबको ना? पैराग्राफ को हटाए, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, पैराग्राफ का नंबर बढ़ा लिए, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और कर दिए इंटर। अब पैराग्राफ की संख्या ज्यादा आ गया है ना, चले गए कॉलम और यहां से कर दिए 2 कॉलम। क्या ऐसे ही विद्या क्वेश्चन का दिखाई देता है, दिख रहा है सबको? यानी कि एक पैराग्राफ आपका इधर रहेगा, तो जैसे आप यहाँ से पढ़ते हुए आएंगे फिर आपका ये नीचे अगले पेज पे जाएगा, नहीं डायरेक्टली आपका कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर, फिर यहाँ से ये नीचे लेके जाएगा। आ रहा है समझ में ना? यहाँ आने के बाद आपको डायरेक्टली कहाँ लेके आएगा, फिर आपको इस पेज पे लेके आएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर आपको लेके आ जाएगा यहाँ, हो जाएगा। ये तो हो गया कितना कॉलम, 2 कॉलम, लेकिन आप रखना चाहते नहीं 3, यहाँ से करिए 3 कॉलम। अब कितने कॉलम में दिख रहा है, कितने कॉलम में दिख रहा है, 3। चलिए आप 3 कॉलम नहीं बल्कि आप चाहते ही हैं कि लेफ्ट में कम रहे और राइट में ज्यादा रहे, क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट में कम पैराग्राफ है और राइट में ज्यादा, और ये आप चाहते नहीं
ये आपका किधर हो जाए, राइट में कम हो और लेफ्ट में ज्यादा हो, आप उसके लिए ले लीजिए यहाँ से राइट, हो जाएगा ना। और आप ये चाहते हैं कि नहीं हम खुद से अपने कॉलम का संख्या बढ़ा सकें, कम कर सकें, आपको कहाँ जाना होगा, मोर कॉलम पे क्लिक करिए। मोर कॉलम पे तो आपसे पूछेगा, यहाँ पे सेम वही दे रहा है ना, टू कॉलम थ्री कॉलम लेफ्ट और यहाँ पे राइट, लेकिन आप चाहते हैं हम खुद से बना सकें, आपको देगा नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में करना चाहते हैं, पांच छह, चलिए छह कर दिया यहाँ से, और फिर आप क्या कर लीजिए यहाँ से ओके, कितना कॉलम दिखा रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पे सिक्स, दिख रहा है सबको, हो जाएगा ऐसे। चलिए और आगे का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ब्रेक, तो फिलहाल आप लोग आज यहाँ तक करिएगा, कल आपको बताएंगे हम यहाँ से ब्रेक लाइन नंबर और हाइपनेस, आ रहा है समझ में ना। आगे थोड़ा सा ये बता दें आपको, ये जो भी दिया इंडेंट, ये इंडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े आप लोग इंडेंट ना, इंडेंट आप लोग नहीं पढ़े हैं, बता दे रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम होम टैब में आ गए, होम टैब में आपको इंडेंट नहीं पढ़ाया गया, ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट बताए थे ना, सेम वही काम करेगा। हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए, आपको किधर चाहिए, राइट साइड में, राइट साइड में लेके जा रहा है ना, फिर आ जाइए आप इसमें पेज लेआउट में, देखिए आपका कितना गया लेफ्ट साइड में, टू पॉइंट गया, दिख रहा है ना, आप बढ़ाइए इसको, क्या आगे जा रहा है, कम करिए, पीछे आ रहा है, दिख रहा है सबको ना। लेकिन इसमें डिफरेंस आपको क्या मिलेगा से, कि आप इससे ज्यादा, इससे होम टैब से लेके नहीं जा सकते थे किधर, लेफ्ट साइड में, लेकिन आप जिसको इतना माइनस में करेंगे, माइनस में चलता हुआ चला जाए, दिख रहा है सबको ना। फिर आ गए आप जीरो करिए इसको, बिल्कुल आपको सामने दिखेगा, आप चाहते ना ये राइट से अब आ जाए, तो राइट से आप बढ़ाइए, राइट से कम हो रहा है अब, दिख रहा है सबको ना, राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं, फिर माइनस में करते जाइए, किधर चला जाएगा, राइट साइड बिल्कुल बॉर्डर के पास पार चला जाएगा, दिख रहा है सबको, चला जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं पेज से बाहर जाएगा, जा रहा है ना, लेकिन दिखने वाला नहीं, क्योंकि वो पेज से बाहर चला जाएगा, पेज के बाहर नहीं दिखेगा, और इसको कर दिया जीरो, बाय डिफॉल्ट जैसे रहेगा वैसे दिखाई देगा। और ये दिया स्पेसिंग, आपको कितना स्पेस रखना, स्पेस ले सकते, दिख रहा है सबको ना, ये बिफोर और ये आफ्टर, बाद में, और यहाँ से दिया है ऊपर वाला पैर, दिख रहा है सबको स्पेस, हो जाएगा ना। तो आप लोग पढ़ चुके हैं किसमें, होम टैब में, स्पेसिंग लाइन और यहाँ पे इंडेंट, ये हो जाएगा ना। फिर आगे ऑरेंज का ऑप्शन, पोजीशन आप लोग पढ़ लिए, पढ़े हैं ना, इसका ये कब हाईलाइट होगा, इंसर्ट में जाइए, कोई इमेज या कोई शेप ले लीजिए, दिख रहा है सबको ना। अब आ जाइए पेज लेआउट में, पोजीशन किस पोजीशन पे सेट करना है, पढ़े हैं ना, रैप टेक्स करेंगे, फिर जहां मुंह करा के लेके आना चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं, पिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, कि अगर जो आप कोई दो शेप ले लेते हैं, चलिए इसका कलर हम चेंज कर दें यहाँ से, दिख रहा सबको ना। अब आपको क्या करना है, अगर जो पीछे भेजना कर दीजिए सेंड बैकवर्ड, और ऊपर लाना कर दीजिए पिंग फॉरवर्ड, दिख रहा सबको। और सिलेक्शन पेन दे रहा है, अभी बताए थे कि आपको शेप को क्या करना हो, हाइड करना हो या शो कराना, हो जाएगा। और आगे दिया अलाइन, कि आपको किस अलाइन पे करना हो, या आपको कब हाईलाइट होगा, कि जब आप क्या करेंगे, किसी शेप को सेलेक्ट करेंगे तब, सेंटर में करना है तो सेंटर लीजिए, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट, राइट में करना है तो राइट, यानी कि जो अलाइन आपको लेना है आप यहाँ से अलाइन ले सकते। फिर आपको आगे ऑप्शन दिखेगा ग्रुप, ग्रुप बताए ना, जैसे इमेज लिए थे और एक इमेज का कई सारा हम ग्रुप बना करके दिखाए थे आपको, हो जाएगा ना। और आगे रोटेट, जैसे रोटेट कराना चाहते हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, शेप को रोटेट करा सकते हैं। तो आप लोग को इस टाइप में सिर्फ क्या बताना रहेगा, ब्रेक लाइन नंबर और हाइपनेस, बाकी सारा ये हो जाएगा ना, क्लियर है सबको। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, और जो नहीं होगा, कोई आपसे नहीं समझ में आएगा, उसको नोट करके एक बार पूछ लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ तो समझ आया है ना, कि अभी आप लोग को बताया हम सिर्फ क्या, पेज बैकग्राउंड के बारे में, और उसके बाद से पेज सेटअप के बारे में, यहाँ हो जाएगा ना। और बाकी जो भी आप लोग ऑप्शन पढ़े उसके बारे में ट्राई कर लीजिएगा, और जो नहीं होगा एक बार नोट करके पूछ लीजिएगा, हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी